नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए रुक करेंगे 150 गांव 150 खबरों की। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में भागवत सत्संग समिति की बैठक हुई और बैठक में 1 जनवरी से शुरू होने वाली गौ कथा की तैयारियों पर चर्चा हुई। डूंगरपुर के आसपुर में भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक नियमित कार्यक्रम का आगाज हुआ और इस दौरान जैन समाज की ओर से शोभा यात्रा भी निकाली गई। डूंगरपुर के जोगपुर गांव में अजगर आ जाने से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर ने अजगर को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। सरमथुरा के भिंडीपुरा गांव में मीन भगवान मंदिर पर मीणा समाज की बैठक आयोजित हुई और बैठक में कई तरीके की समस्याओं पर चर्चा हुई। अलवर के रामगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को पीला चावल देकर यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। जोधपुर के बाप में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में आयोजित किसान गर्जना रैली में शामिल होने के लिए रवाना हुए। तो वहीं अलवर के खैरथल में भाजपा नेता ओम माथुर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अलवर प्रवेश पर सुरेर में भव्य स्वागत किया गया। सीकर के खंडेला में एक युवक का शव कुएं में मिला। सिविल डिफेंस की टीम ने 18 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाल। अलवर के बहरोड में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट करके पैसे लूट लिए और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फलौदी के महालक्ष्मी कटला मैदान में छठे दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के वृत्तांत का चित्रण हुआ। SDM डॉक्टर अर्चना व्यास और पूर्व विधायक ओम जोशी उपस्थित रहे। नारायणपुर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बढ़ने लगी है सर्दी और उसकी वजह से बुखार की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 3 भैंस चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जोधपुर के बिलाड़ा में धोखाधड़ी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फलौदी में कृषि उपज मंडी परिसर में आग लग गई और आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 40 क्विंटल नरमा जलकर खाक हो गया। जोधपुर के बिलाड़ा में जबरन घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। तो वहीं सिंगवारी के भीमसागर तालाब में एक युवती का शव मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया है। झुंझुनू के पूर्वा में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें भाजपा नेता राजेश दहिया मुख्य अतिथि रहे। चिड़ावा महोत्सव को लेकर श्री श्याम सखी दरबार की बैठक हुई और जिसमें लोगों का यहाँ पर विमोचन किया गया है। जयतारण समेत आसपास गांवों में चल रही शराब की अवैध दुकानें आबकारी विभाग की मिलीभगत से कार्रवाई नहीं की जा रही है। झुंझुनू के मंडरेला में हरियाणवी गाने का पोस्टर लॉन्च किया गया है। पाली के जैतारण में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं झुंझुनू के फतेहपुरा समेत सभी ढाणी तक पहुंचेगी बिरला अस्पताल की नेत्र चिकित्सा सेवा और फ्री मेडिकल कैंप की श्रृंखला शुरू की गई है। धौलपुर के दुकापुरा गांव में DST टीम और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। अवैध बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में राजस्थान प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने राहुल गांधी से मुलाकात की और भारत जोड़ो यात्रा में दोनों से मुलाकात हुई। उदयपुर प्रवास पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का गोगुंदा बाईपास पर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर के बिलाड़ा में हत्या का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाली के देसुरी समेत कई जगहों पर सर्दी बढ़ने से अब ग्रामीणों ने यहां पर अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है और सुबह आपको बता दें कि यहां पर सर्दी ने अपना रुख बताते हुए दिखाया है। सीकर के फतेहपुर में पिंजरापुल गौशाला की 1500 गायों को भावाशाहों ने 4000 किलो पौष्टिक लड्डू खिलाए हैं। बांसवाड़ा के उदपुरा गांव में माइनर नहर क्षतिग्रस्त होने की वजह से किसानों ने प्लास्टिक का तिरपाल नहर में बिछाया और माही विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जोधपुर के बिलाड़ा में मकान का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी लेकर चोर उड़ गए। तो वहीं धौलपुर के बाड़ी में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सीकर से हजारों कार्यकर्ता अलवर के लिए रवाना हुए हैं। बांसवाड़ा के दानपुर में एक युवक ने यहां पर दुकान में आग लगा ली और दुकान से आपको बता दें कि आग की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ के रणठांजना में मूकबधिर युवती के साथ रेप मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक शिक्षक की बाइक चोरी की थी।
पानी की देसुरी में एक बाइक चालक ने राहगीर को टक्कर मार दी और इस हादसे में राहगीर और बाइक चालक दोनों ही घायल हुए हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश परीक्षा हुई है और तकरीबन 250 छात्रों ने भाग लिया है। धौलपुर की बाड़ी में महाराणा प्रताप वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन किया गया है। वार्ड नंबर 6 की टीम ने वार्ड नंबर 20 की टीम को हराकर विजेता बनी है। प्रतापगढ़ के हनुमान चौराहे पर एक ट्रेलर ने 3 बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 3 घायल हुए हैं। बाड़मेर के गंगासर में विधायक निधि कोष से ट्यूबवेल का निर्माण करवाया गया और ग्रामीणों ने विधायक मेवाराम जैन का आभार जताया है। ग्रामीणों को अब पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। जयपुर के चौमू में ओम प्रकाश भदरिया को गायत्री प्रज्ञापीठ संस्था का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ओम प्रकाश भदरिया गायत्री प्रज्ञापीठ संस्था के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री विजयनगर के श्रीगंगानगर में आपको बता दें कि सेवा सहकारी समिति कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और एमपी निहाल चंद मेघवाल रहे हैं मुख्य अतिथि। बांसवाड़ा के महुड़ा में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। परिवार के 4 सदस्य और एक पड़ोसी बीमार हो गए। क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में उभरते सितारे बेगू निवासी यश वैष्णव प्रोत्साहन राशि भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया है। बेगू के टोंगिया बाल के मांगलिक भवन में 10 दिवसीय निशुल्क आयुर्वेद शल्य एवं पंचकर्म चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ है। पहले दिन 1500 रोगी लाभान्वित हुए हैं। बांसवाड़ा के सागवाड़िया में करंट की चपेट में आने की वजह से एक युवक झुलस गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सादुल शहर के तखत हजारा की सोसाइटी के नए अध्यक्ष बख्तावर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और भाजपा नेता गुरबीर सिंह बराड़ मुख्य अतिथि रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कौशल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। दिल्ली में रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित हो रही है और रैली में भाग लेने के लिए शाहपुरा से यहां पर भारतीय किसान संघ के किसानों को मांगों को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा बेगू का वार्षिक चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न हुआ। निर्मल खटारा अध्यक्ष चुने गए हैं। बालोतरा के जैन मंदिर के पौष दशमी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन यहां पर किया गया और मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। खाजुआला के किसान गर्जना रैली में 4 सूत्री मांगों को लेकर किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ के द्वारा गर्जना रैली निकाली जा रही है। कपासन में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नेता गोपाल सिंह शेखावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और सवरिया चौराहे पर मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 2 दिवसीय संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री चौधरी ने जन आक्रोश यात्रा के तहत महासभा को भी यहां पर संबोधित किया। भारत जोड़ो यात्रा में सवाई माधोपुर से दर्जनों युवा कांग्रेसियों ने यहां पर भाग लिया है। मकसूद खान ने राहुल गांधी से वार्ता करके सवाई माधोपुर की समस्याओं से अवगत करवाया। बांसवाड़ा के आमली ऊंटा में सरकारी स्कूल के बच्चों को भामाशाह ने स्वेटर वितरित किए हैं और इस मौके पर भामाशाह का भी सम्मान किया गया। रायसिंह नगर के अन्नपूर्णा रसोई में मरीज और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन करवाया गया है। वहीं श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में राजस्थान शूटिंग बॉल फेडरेशन से जुड़े हुए सदस्यों की साधारण बैठक का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता आयोजन के लिए विभिन्न सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। सवाईमाधोपुर के बहरावंडा खुर्द में महाराजा सूरजमल की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर के सांभर लेक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। करौली के गढ़मोरा में रेप के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सिरोही में भाजयुमो जिला अध्यक्ष गोपाल माली समेत कई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध जताया और प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर कार्यकर्ताओं ने रोष जताया है। चूरू के तारानगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। नाकाबंदी के दौरान शराब से भरे हुए बोलेरो गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है। चूरू के बदासर में जन आक्रोश यात्रा के तहत सभा का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में शिव महापुराण कथा प्रारंभ हुई और पहले दिन भगवान शिव की महिमा सुनाई गई। अजमेर के सरवाड़ में सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला और केकड़ी के पटेल मैदान में पूनिया ने बयान दिया।
सिरोही के केवरली में ऑटो और बाइक की भिड़ंत हो गई और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हुए। सिरोही के स्वरूपगंज में रॉयल्टी ठेकेदार और ट्रैक्टर चालकों के बीच मारपीट हुई। वहीं अजमेर के ब्यावर में पिता की मौत पर सात बेटियों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। बेटे की तरह पिता की अर्थी को यहां पर कंधा देकर बेटे का फर्ज पूरा किया है। जयपुर में दो जगहों पर जीडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की है। जोन 12 में सरकारी भूमि पर बन रहे दुकानें ध्वस्त की गई हैं, तो वहीं रामपुरा डाबली में भूमाफियाओं के कब्जे से जीडीए की जमीन छुड़ाई गई है। जयपुर में रामपुरा डाबली में जीडीए की जमीन पर कब्जा देखने को मिला, जिसके बाद जीडीए के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी की बैक टू बैक कार्रवाई देखने को मिली है। तकरीबन 700 गज भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। पसागन के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लचर चिकित्सा व्यवस्था, पिछले 5 महीने से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है और इसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। प्रतापगढ़ के डॉक्टर सालगिरा हॉस्पिटल में चल रहे 31वें निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का दूसरा दिन और 100 मरीजों के ऑपरेशन पूरे हुए हैं। 177 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। सर्द मौसम में सब्जी की कीमतों में यहां पर आपको बता दें कि पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है और महंगाई के बीच खाने की थाली भी सस्ती हुई है। हरी सब्जियों की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन का चुनाव जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुआ। मतदान में 1551 वकील अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। झालावाड़ के नागेश्वर पार्श्वनाथ महातीर्थ में भगवान पार्श्वनाथ जन कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया और यहां पर प्रातःकाल प्रार्थना और इसके साथ ही भक्तामर पाठ के बाद भगवान के पक्षाल का आयोजन हुआ। हनुमानगढ़ में घर खरीदते समय कॉलोनराइज द्वारा किए गए सुविधा मुहैया के वादे पूरे नहीं करवाने पर कॉलोनी वासी आक्रोशित है और एक बैठक में कॉलोनी वाइज की प्रणाली कार्य प्रणाली के खिलाफ रोष जाहिर किया है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा खजवाला का जाट धर्मशाला में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई की वीरांगना निर्मला बिश्नोई को सम्मानित किया गया। रेनवाल नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक का तबादला होने से कामकाज ठप पड़ा है। कांग्रेस बोर्ड के 2 साल के कार्यकाल के दौरान 8 अधिशासी अधिकारी के तबादले हुए हैं। बौली में अवैध बजरी परिवहन को लेकर कार्रवाई की गई है। रिहायशी इलाकों में अवैध बजरी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने जेसीबी और अन्य संसाधनों से रास्ते कटवाए हैं। जालौर के आहौर में बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा निकाली गई और इस मौके पर सभा का भी आयोजन किया गया। फुलेरा के हेंडौदा रेलवे स्टेशन पर धनिक रेल यात्री संघ की ओर से स्टेशन मास्टर को साफ सुथरी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और 25 दिसंबर तक समस्याओं का समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई है। फुलेरा के रेलवे स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव समेत प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और पेयजल की व्यवस्था कराने जैसी मांगों को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। समस्या का समाधान लेकिन नहीं किया जा रहा है। श्री कामधेनु गौशाला चाकसू बचाओ अभियान के तहत सर्व समाज की सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सभी लोगों ने एक स्वर में गौशाला बचाने के लिए अपने पक्ष रखे। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर दिखा पैंथर का शावक, पर्यटकों ने शावक का वीडियो बनाया। कोटपूतली के विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से निजी कोचिंग संस्था में प्रतिभा खोज यहां पर परीक्षा का आयोजन किया गया और जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले बच्चों को नकद राशि से सम्मानित किया गया है। चढ़ावा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। नगर पालिका की ओर से आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहां पर घर घर जाकर पीले चावल बांटे हैं। जैसलमेर के रामगढ़ में RSMM के नव नियुक्त प्रबंधन निदेशक करण सिंह ने सोनू माइंस का निरीक्षण किया है। भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र करौली द्वारा यहां पर गांव महू में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में श्री महावीर जी में मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष एनके जैन ने सपरिवार दर्शन किए हैं। सवाईमाधोपुर में अवैध बजरी परिवहन को लेकर अब खनन विभाग भी एक्शन मोड में है और खनन विभाग की टीम ने अवैध बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। श्रीगंगानगर के अरूपगढ़ में आयोजित होने वाले सरल सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम को लेकर अंतिम रूपरेखा पर तैयारी की गई।
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के केकड़ी आगमन पर सरवाड़ समेत दर्जनों गांवों के कार्यकर्ताओं ने रैली में सम्मानित यहां पर सम्मिलित हुए और इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं चंदबाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में चल रही दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। करौली के सपोटरा में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के बस्सी में लहूलुहान हालत में शव मिलने से आरोपी गिरफ्तार हुआ है और आरोपी मृतका का जीजा था। जयपुर के दूदू में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नैनवा द्वारा पठान मूवी का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं नोखा में लोहे की तारबंदी और पट्टियां चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बूंदी में खनन विभाग ने अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर परिवहन कर रहे चालक को गिरफ्तार करके 26,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। हिंडौली में सकल जैन समाज का मौन विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। नोखा में अंतिम विश्राम गृह के परिसर में बैठक आयोजित हुई और बैठक रामकृष्ण खत्री की अध्यक्षता में हुई। भीलवाड़ा के कोटड़ी में ट्रैक्टर के नीचे दबा युवक और इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। खाखले से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। जयपुर के दूदू में चल रहे सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री को लेकर ठेकेदार को लताड़ लगाई गई है, काम उचित मापदंडों में करने के निर्देश दिए गए। मांडलगढ़ में भाजपा जनाक्रोश रैली का समापन, आम सभा का भी यहां पर आयोजन किया गया है। नागौर के डीगाना में भाजपा द्वारा जनाक्रोश रैली में सभा का आयोजन किया गया, राजसमंद सांसद दिया कुमारी समेत भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के चौबों में दो कारों में भिड़ंत हो गई, कार में सवार दोनों लोग सुरक्षित बच गए। हिंडौली के खेत में पानी छोड़ने को लेकर पारिवारिक झगड़ा हुआ और इस झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुदाली से वार कर दिया। चौमू के हरबाड़ा में बाइक की एजेंसी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले दो शातिर ठगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। चौमू के हरबाड़ा में पुलिस ने धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उधर डूंगरपुर के सागवाड़ा में सकल जैन समाज ने सांसद करकमल कटारा को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में समेद शिखर तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पर विरोध जताया है। नागौर के झुंझाला गांव में सड़क हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चौमू के सामूद में 7 समंदर पार से आकर विदेशी जोड़ी ने रीति रिवाज के साथ दोबारा विवाह किया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में गुजराती लेउआ पाटीदार समाज का विचार प्रबोधन महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ और इस दौरान शिक्षा समेत कई विषयों पर चर्चा की गई है। नागौर के मुंडवा में अंबुजा सीमेंट कंपनी के बाहर मजदूर यूनियन संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया है। शाहबाद में स्वयंसेवी सिकोईगोन संस्था की ओर से यहां पर 2 दिवसीय किसान खेत पाठ कार्यशाला का आयोजन किया गया और कृषि विशेषज्ञ अनिल कुमार ने यहां पर किसानों को जैविक खेती से अवगत करवाया है। किशनगंज के पास हाईवे पर गाय को बचाने को लेकर हादसा हुआ और असंतुलित होकर 2 बाइक सवार यहां पर गिर गए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेहरावता के पास बाइक फिसलने से एक दंपति बुरी तरीके से घायल हो गए, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारा के चहेड़िया गांव में गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।